जरूर किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी धर्म का बुरा नहीं चाहते, किसी समाज का बुरा नहीं चाहते, किसी पंथ का बुरा नहीं चाहते। किसी का बुरा करने के लिए जैन समाज ने कभी कोई काम नहीं किया। जो कोई भी अजैन भी, चाहे वो राजपूत हो, राजपुरोहित हो, चाहे वो अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, या फिर कोई शूद्र हो, एसटी एससी के हो, कभी वे जैन बने तो जैनों ने किसी को मार पीट करके जैन नहीं बनाया, प्रलोभन दे करके जैन नहीं बनाया, किसी को बहला फुसला करके जैन नहीं बनाया, उल्लू बना करके जैन नहीं बनाया, झूठ का सहारा लेकर के जैन नहीं बनाया। जैन धर्म का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, सत्य का और अहिंसा का मार्ग है, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग है। जो इसे समझता है वो इसे अपनाने लग जाता है। तो जो जो भी लोग अजैन होते हुए जैन बने, जैन धर्म की विचारधारा में आए, या जैन जीवन शैली को जिन्होंने अपनाया, या आज भी जो अजैन जैन धर्म पालते हैं, जैन मार्ग का अनुसरण करते हैं, या जैन धर्म को पसंद करते हैं, वे समझदार हैं, वे ज्ञान का मार्ग ले रहे हैं, वे सच्चाई और अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वे जीवन को पाप मुक्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वे गलत नहीं कर रहे। और अगर कोई पाप मुक्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ता है, पुण्य का उपार्जन करता है, सच्चा अच्छा इंसान बनता है, मानवता की शिक्षाएं प्राप्त करता है, अहिंसा शाकाहार को लेकर के चलता है, तो इसमें बुरा क्या है? इसलिए जैन ने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, जैन किसी का बुरा करता नहीं है, जैन किसी की जिंदगी में कांटे बोता नहीं है, जैन धर्म के लोग या जैन साधु कभी किसी के लिए अवरोध रूप बने नहीं है, सबको सहयोगी बने हैं, सबको सहयोग दिया है। जब जब भी मानवता कराई है, जैन समाज ने सहयोग दिया है। जब भूकंप आए तो जैन समाज ने सहयोग दिया, जब बाढ़ आई तो जैन समाज ने सहयोग दिया, जब महामारी फैली तो जैन समाज ने सहयोग दिया। यानी जैन हमेशा सबके हित की बात करता है, किसी के अहित की बात नहीं करता। जैन राष्ट्र विरोधी भी नहीं होता, जैन धर्म विरोधी भी नहीं होता, जैन किसी के पंथ का विरोधी भी नहीं होता, जैन मानवता का विरोधी भी नहीं, जैन तो पर्यावरण का भी समर्थक के विरोधी नहीं। और इसीलिए जैन धर्म के विरोध में कोई भी बात करना हास्यास्पद है, अनैतिकता है, अन्याय है। जैन धर्म के बारे में बोलना नितांत पाप है।